लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन को दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ तिल और गुड़ के लड्डू। जैसे कि मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पे तिल और गुड़ के लड्डू का काफी मांग होता है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये जैसे मार्केट में रेडीमेड हम खरीद के लाते हैं, वैसे हम घर पे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने 200 ग्राम तक व्हाइट तिल ले लिया हुआ है और यहाँ मैंने गुड़ ले लिया है, ये भी 200 ग्राम तक है। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी ले लिया हुआ। तिल को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि जब भी आप मार्केट से तिल लाएं वो उसको अच्छे से साफ कर लें, उसमें थोड़े से कंकड़ उंकड़ रहते हैं, तो आप उसे घर पे अच्छे से साफ कर लें, जिससे इसका लड्डू बनाएं तो काफी अच्छा बने। और एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं आपको, जब भी तिल और गुड़ लें उसकी मात्रा बराबर रखें। मात्रा नहीं मालूम है 200 ग्राम तक का, तो 1 कप आप तिल लीजिए तो 1 कप गुड़ लीजिए, इसे मात्रा आप बराबर रखें, जिससे आपका लड्डू अच्छे से बनकर आएगा। और तो चलिए बनाते हैं तिल और गुड़ के लड्डू मार्केट जैसा। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और गर्म हो चुका है। हम डाल देंगे इसमें तिल, इनको हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, और जब ये इसमें से हल्का सा पटपट की आवाज आएगी तो हम जान जाएंगे कि तिल हो गई है और थोड़ा सोनी सोनी खुशबू भी आने लगती है। और इसको लगातार चलाते रहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। तिल को भूनते समय हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी तिल भूने हल्का धीमी आंच पे भूने, मीडियम आंच पे भूने, वरना तिल बहुत जल्दी जल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं तिल का कलर चेंज हो चुका है, इसमें हल्का सी आवाज आने लगी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे तिल का कलर चेंज हो गया है और इसमें हल्की सी आवाज आ रही है और इसमें थोड़ा सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम तिल को दूसरे प्लेट में पलट लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम ये 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये डालने से तिल और लड्डू काफी अच्छे बनते हैं। और 2 चम्मच के लगभग हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब मैंने जो गुड़ दिखाया था अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे गुड़ पिघलने लगा है, इसको अच्छा से हम इस तरह से इसका सीरा बनाएंगे, अच्छा से ये मेल्ट होना चाहिए। जैसे कि गुड़ में थोड़ा सा झाग आने लगा है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ठीक से हुआ है कि नहीं गुड़ की चाशनी। मैंने यहाँ बाउल में पानी ले लिया है और 1 ड्रॉप इसका चेक करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा चम्मच से उठाएंगे और इसमें डालेंगे इस तरह से। चेक करते हैं, ये देखिए इसमें एक आवाज आ रही होगी आपको इस तरह से, इसका मतलब आपकी चाशनी रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो ये इसकी पहचान है गुड़ की, कि चाशनी एकदम रेडी हो चुकी है। अब ये जो तिल हमने भून के रखा था इसमें डाल देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, उसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें गैस को बंद कर दें नीचे से। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने अच्छे से गुड़ और तिल को अच्छे से
मिला लिया है और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ये काफी गर्म होता है तो केयर पूरी करें एकदम से, इस तरह से चम्मच ले लेंगे और इस तरह लड्डू की साइज थोड़ा अलग करके रखेंगे पहले से ही थोड़ा थोड़ा, इसे फटाक से बन सके। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिया है प्लेट, ये पानी थोड़ा हाथ में इस तरह लगाएंगे, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। और पहले टेस्ट करते हैं, काफी गर्म है ये तो ऐसे उठाएंगे और जितनी बड़ी आपको साइज कम ज्यादा करना है अपने अनुसार कर सकते हैं। इस तरह से केयरफुली करें क्योंकि काफी गर्म होता है ये। इस टाइप से खाते ही तुरंत बनता जाएगा ये। इस तरह सारे लड्डू हम बना लेंगे, साइज में अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं लड्डू का। जैसे कि मैं सब लड्डू बना रही हूँ, इसमें आपको एक चीज और बता दूं, इसको मतलब जल्दी करें क्योंकि जब मिश्रण गर्म रहता है तभी लड्डू अच्छे से बन पाता है, वरना थोड़ा बनने में मुश्किल होता है। अगर आपका मिश्रण ठंडा हो गया है तो आप उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे लड्डू मैं इस तरह से बना रही हूँ, इस तरह बाजार जैसा आप लड्डू घर पे भी बना सकते हैं, काफी अच्छा लड्डू बन रहा है। और ये बनाना लड्डू काफी इजी है, घर के बने हुए लड्डू की बात ही अलग होती है। इस टाइप से जैसे कि मैंने तिल और गुड़ के सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं, काफी अच्छे लड्डू बने हैं, ये बिल्कुल मार्केट जैसा लड्डू बना हुआ है। तो इस रेसिपी से आप भी अपने घर पे लड्डू बनाइए, ये बहुत कम समय में ही बन जाता है, ज्यादा टाइम इसके लिए नहीं लगता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना ना भूलें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं और इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं। ओके, थैंक यू।